जनता दल यूनाइटेड में सेटिंग और गेटिंग का खेल जो है वो चल रहा है इस वक्त, क्योंकि नई टीम का ऐलान हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं शशि भूषण। आपको खबर बता रहा हूं जनता दल यूनाइटेड के अंदर खाने से जो इस वक्त आ रही है। दरअसल जेडीयू ने अपने तमाम प्रकोष्ठों और उसकी इकाइयों को भंग कर दिया था और बुधवार को जब पार्टी ने फैसला लिया उसके साथ ही यह तय हो गया कि अब नई टीम का गठन किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते आरसीपी सिंह ने जिन नेताओं को टीम में रखा था उन नेताओं को साइडलाइन किया जा चुका है। जाहिर है आरसीपी सिंह अब संगठन में किसी बड़ी भूमिका के अंदर नहीं है, वह केंद्र में मंत्री भले हों। ऐसे में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की टीम में उन्हें ही जगह मिलेगी जो आरसीपी सिंह के करीबी नहीं माने जाते हैं। आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते उमेश कुशवाहा ने जो नई टीम बनाई थी उनके तमाम लोकसभा प्रभारियों, विधानसभा प्रभारियों, प्रकोष्ठों और प्रकोष्ठों की इकाइयों को निरस्त किया गया है। अब एक बार फिर से नए सिरे से इनका पुनर्गठन होना है, लेकिन नई टीम में कैसे एडजस्टमेंट होगा इसके लिए लगातार पार्टी के नेता जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। पटना में सुबह सवेरे आज माहौल राजनीतिक गलियारे में, या यूं कह लें कि जेडीयू के अंदर थोड़ा बदला बदला से नजर आया। ज्यादातर बड़े नेताओं के दरवाजे पर या उनके दरबार में नेता हाजिरी लगाते नजर आए, चाहे वो छोटे नेता हो, जिला स्तर के नेता हो या फिर प्रदेश स्तर के नेता। कई बड़े नेताओं के पास वो हाजिरी लगाते नजर आए और कहीं ना कहीं नई टीम में जगह पाने के लिए अपना एडजस्टमेंट या अपनी गोटी फिट करना उनका मकसद रहा। पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की बात कर लीजिए, ललन सिंह की बात कर लीजिए, या फिर वैसे मंत्रियों की बात कर लीजिए जो नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं, उन तमाम नेताओं मंत्रियों के दरवाजे या दरबार में हाजिरी लगाने का दौर जो है वो तेज हो गया है। सबको पता है कि अगर पुरानी टीम या आरसीपी सिंह की बनाई टीम को निरस्त किया गया है तो नई टीम का ऐलान भी होना है। अब इस नई टीम में किन्हें जगह मिलेगी ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल ललन सिंह वैसे नेताओं को एक बार फिर से पार्टी में प्रमुख भूमिका देना चाहते हैं जो शुरुआती दौर से नीतीश कुमार या उनके साथ रहे हैं। आप याद करिए बिहार विधानसभा का उपचुनाव जब तारापुर सीट से उम्मीदवारी की बात आई तो उन्होंने राजीव कुमार सिंह के नाम की सिफारिश की थी। खुद नीतीश कुमार ने भी राजीव कुमार सिंह के नाम पर मोहर लगाई। राजीव कुमार सिंह समता पार्टी के दौर से नीतीश कुमार और ललन सिंह के साथ जुड़े रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और आखिरकार उन्होंने जीत हासिल की। अब ऐसे ही नेताओं को जो पिछले पार्टी के 16 सालों के शासनकाल में थोड़े हाशिए पर चले गए या पार्टी ने जिनको भुला दिया उनको एक बार फिर से बड़ी भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका देने की तैयारी है। आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते जिन नेताओं को हाशिए पर लगाया गया उनकी वापसी हो चुकी है, ये खबर आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर आपको बता दें। अब जेडीयू के प्रवक्ता रहे राजीव रंजन की बात कर लीजिए, या कार्यालय में एक दौर में प्रदेश कार्यालय सचिव के तौर पर काम करने वाले रविंद्र सिंह की बात कर लीजिए, इन दोनों नेताओं को राष्ट्रीय कमेटी में वापस लिया गया, या यूं कह लें कि राजीव रंजन जैसे प्रवक्ता को राष्ट्रीय टीम में रखा गया। ये बात तय है कि ललन सिंह अपने समीक्षा के बाद जो फैसला ले रहे हैं उसमें वो पार्टी के वैसे नेताओं को ही बड़ी भूमिका देना चाहते हैं जो पार्टी और सरकार दोनों के लिए नतीजे दे सके, रिजल्ट दे सके। दरअसल 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू को यह लग रहा है कि अगर जनाधार को मजबूत करना है, अगर वापस से 2005-2010 वाली स्थिति में पार्टी को पहुंचाना है तो इसके लिए बड़ा होमवर्क करके और बड़ी कार्य योजना के साथ आपको अपने संगठन को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए ललन सिंह ने पहले ही संकेत दिए हैं कि संगठन को छोटा रखा जाए, छोटा और मजबूत संगठन हो ताकि जो पदाधिकारियों की भीड़ है वो जिला स्तर पर ना नजर आए, भीड़ कम हो, लोग पदाधिकारी और संगठन के जो लोग हैं वो कम हो लेकिन उनके तरफ से नतीजे बड़े आए, तो इसको लेकर के कवायद चल रही है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, पार्टी के वरिष्ठ नेता और सरकार में मंत्री संजय झा की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, या फिर मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की बात कर लें, इन तमाम नेताओं के
पास मिलने जुलने वाले नेताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी है कल से आज तक में, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि इन नेताओं के जरिए वो नई टीम में जगह पा सकते हैं। तो जेडीयू में फिलहाल जो सिटिंग का खेल है वो चल रहा है। अब देखना होगा कि किसका कौन सा जुगाड़ काम आता है, या फिर ललन सिंह जिनकी नजर बेहद पैनी रही है संगठन के मामले में और इसीलिए नीतीश कुमार ने उनको जिम्मेदारी दी है, वो जो भी फैसला लेंगे टीम को बनाने को लेकर के वो अपने विचार से लेंगे या नीतीश कुमार की सहमति से लेंगे। लेकिन एक बात जरूर तय है कि आरसीपी सिंह के करीबी समझे जाने वाले नेताओं को, जिनको पहले ही साइडलाइन लगाया जा चुका है, उनमें से बहुत कम ऐसे चेहरे होंगे जो अब नई टीम में जगह पा पाएंगे, या उन्हीं चेहरों को जगह मिलेगी जो चेहरे आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनने के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं ललन सिंह या फिर पार्टी के दूसरे खेमे की तरफ एडजस्ट हो गए। हालांकि जेडीयू के नेता ये कहते हैं कि पार्टी में कोई खेमा वेमा नहीं है, यहाँ नीतीश कुमार ही नेता है। चलिए ये मान लेते हैं नीतीश कुमार ही नेता है, लेकिन इसके बावजूद ये तय है कि पार्टी में अब थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जिस टीम को पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद बनाया गया उस टीम को महज एक साल के अंदर क्यों खत्म कर दिया गया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जेडीयू के अंदर इस राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर रहेगी। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे, सत्ता के गलियारे से भी राजनीतिक हलचल भी बताते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। नमस्कार। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाए समाधान, अभी कॉल करें 8448277903।